हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। राधे और सूर्यवंशी के बारे में बात करना चाहूंगा। ये अब साफ आपको पता चल गया है कि राधे किसी भी हाल में ईद पर नहीं आने वाली है और सूर्यवंशी भी किसी भी हाल में ईद पर नहीं आने वाली है। ऐसे में आपके पास एक खुला विंडो जो समझ में आ रहा है आपको कि खुला विंडो जो है वो जून से लेकर दिसंबर तक के बीच में है। तो इस वीडियो में मैं आपसे ऑफकोर्स जानना चाहूंगा कि कौन सी रिलीज डेट सही हो सकती है और मेरा तर्क क्या है, मुझे क्या लगता है कब कौन सी फिल्म रिलीज होनी चाहिए वो मैं बताने वाला हूं। कब इन दोनों फिल्मों में से मुझे ऐसा लगता है कि राधे को डिले करना चाहिए, कुछ नहीं तो लगभग 4 महीने डिले करने चाहिए। और मेरा दिमाग अगर चल रहा है तो मैं चाहता हूं कि राधे फिल्म जो सलमान खान की एक बड़ी फिल्म है ये दिवाली को आए। जहां दोस्तों ये दिवाली को आए और धमाल करे बॉक्स ऑफिस पर, वहीं जो सूर्यवंशी है जो कॉप ड्रामा है जो पेट्रियटिज्म से भरी फिल्म है वो फिल्म रिलीज हो 15 अगस्त को। ये दो डेट्स मुझे इन दोनों फिल्मों के लिए बहुत ही सही लग रही है। और अगर आप सोचेंगे कि अगर ऐसा होगा तो बाकी बड़ी फिल्में कब आएंगी, लक्ष्मी बम कभी आएगी, 83 कभी आएगी, या बाकी और फिल्मों का जो अगर आप सोच रहे हो, या अक्षय कुमार की कोई फिल्म है पृथ्वीराज कब आएगी, मैं चाहता हूं इन सब फिल्मों को डिले कर देना चाहिए अगले साल के लिए। अगर आप सोचोगे तो मैं ऐसी हवे में बात कर रहा हूं, मेरे को कुछ ऐसा फीलिंग नहीं है क्या, मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्या, तो मुझे बुरा लग रहा है बट मुझे साफ पता है अगर ऐसा होगा तभी इन सब फिल्मों के लिए बेहतर और अच्छा होगा। क्योंकि सूर्यवंशी के ट्रेलर आ चुके हैं तो मैं चाहता हूं उसे एक ऐसी रिलीज डेट मिले जहां पब्लिक जाकर पैसा खर्च करके देखे और हिम्मत जुटाए। और मुझे लगता नहीं है कि मई के बाद जून तक पूरी स्थिति नॉर्मल होगी। लोग अभी भी जून और जुलाई में क्राइसिस में होगी, पैसे के लिए दिक्कत होगी, बहुत इश्यूज होंगे, लाइफ नॉर्मल आने में बहुत टाइम लगेगा। एक चीज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो बहुत ज्यादा महीनों तक इंडिया में नहीं रहेगा, क्योंकि हमने बहुत पहले ही इस पर शिकंजा कसना चालू कर दिया है और भारत में बाकी दुनिया के हिसाब से उतनी मौतें नहीं होने वाली है जो अब मुझे साफ पता चला है। तो बस यही कहूंगा कि ये चीजें जल्दी सॉल्व हो और ये दोनों रिलीज डेट मैंने सोची है कि ये होनी चाहिए। क्या आपको लगता है क्या रिलीज डेट सही है दोनों फिल्मों के लिए, है तो क्यों, सही है या नहीं, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।